बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने बच्चों को साथ में मिला लिया है और उनके लिए छलियों के दाने छील के और फ्राई कर रही हूँ। तो इसकी टिप ये है कि इसको नॉन स्टिक पैन में करें और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इससे पैन बहुत ख़राब हो जाता है, ये याद रखें। और नमक जो है तो एंड में डालें। तो ये मैंने फ्राई कर लिया था। ये जो है तो इसको पश्तों में पस्ते कहते हैं, यानी पस्ते मीन्स नरम। तो पहले तो ये बहुत बनती थी हमारे साइट पे और सारे लोग इन दिनों में ये बहुत खाते थे, लेकिन अब इतना कुछ कमर्शियल हो गया है कि लोग बाज़ार से छलियाँ ले लेते हैं, लेकिन अपनी फसलें मोस्टली लोग उगाते नहीं, जो उगाते हैं वो बेच देते हैं। तो जब मैंने बच्चों के लिए ये बनाया तो उनको इतना अच्छा लगा कि ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो उन्होंने फरमाइश की कि मम्मा ये अब हर टाइम हमारे लिए बनाना है। लेकिन इसमें जो बाकी थे वो इतने सॉफ्ट नहीं थे, वो थोड़े से सख्त हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह उनके लिए बॉयल करूँगी। तो बॉयल भी बहुत मज़े के होते हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो किस किस्म के पानी में बॉयल की गई हैं, किस तरह के हाथों से। तो घर में ये है कि ये सेफ रहता है। शाम के टाइम ये था कि मुझे कोई काम था यहाँ बाहर तो जाना था, तो मिशाल और सरिया भी खुश हो गए कि हम भी बाहर का चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको मैं पार्क नहीं लेके गई। वैसे वीकेंड पे हम गांव का चक्कर लगा लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन बच्चों का जो मेन इंटरटेनिंग पार्ट है वो पार्क में जाना है। तो बस वापसी पे मिशाल और सरियाब ने कहा कि हमें कुछ लेके दो, तो मैंने कहा अपनी मर्जी से ले लो। तो बच्चों को तो सरप्राइज़ एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, छोटा सा कोई 2-3 रुपए का ऐसे टॉय निकलता है, लेकिन बच्चे ज़रूर ये लेते हैं, छोटे से, इसमें थोड़े से कैंडीज़ होते हैं। ज़रियाब ने तो वो ले लिया जिसमें कार नज़र आ रही थी, मिशाल ने कोई और लिया, उसमें तो कोई विसल ही निकल ली, जो निकल दे साथ ही टूट गई। तो मैंने इनसे कहा कि अपनी मर्ज़ी से टॉय तो ले लिया, ये तो टॉय में काउंट होता है, अब कुछ खाने पीने के लिए ले लो, क्योंकि इसमें तो 4-5 कैंडीज़ होती हैं, वो तो बस ख़त्म हो जाएंगी। तो इन्होंने अपने लिए जूस पसंद कर लिए। ये मैंने पोटैटो बॉईल किए हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी अभी बताऊंगी कि इससे मैं क्या बना रही हूँ। बच्चों के लिए स्नैक्स के आइडियाज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सब बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी नित नए स्नैक्स खाने का शौक़ है। तो जो पोटैटोज़ हैं उनको ठंडा कर लें और फिर इसको छील लें और छील के सही से मैश कर लें। ये जो है तो मैं खाना भी साथ में बना रही हूँ, बच्चों के लिए स्नैक का भी इंतज़ाम कर रही हूँ। इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही आप कद्दूकश करके डालेंगे और नमक और काली मिर्च, और बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी मसाले डालें। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये चावल का आटा है, बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं बहुत कम मसाले डालूँगी। तो बस ये सब मिला के और किसी भी शेप में आप कर लें। मैं इसको स्टिक्स की शेप बना रही थी तो मैंने ऐसे बना लिया, आपकी मर्ज़ी है। और बस इसको एग में डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि ऊपर अंडे की कोटिंग है, तो फिर इस तरह ये जल्दी जल जाते हैं। तो बस ये बहुत ही मज़े के थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। मिशाल ने कहा कि मुझे लंच में भी देना है, स्कूल के लिए जो लंच बॉक्स प्रिपेयर होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेकमेंड करें, मेरी वीडियो फुल देखें और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।